उठा रहा कॉल। पीड़ित लोगों का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। यहाँ पर जिन लोगों को सख्त जरूरत है इंजेक्शन रेमडेसिविर की, वो इंजेक्शन उन्हें वहां पर मिल नहीं पा रहा। नोएडा में बड़ी संख्या में लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटकते हैं। जिले का कोई भी अधिकारी यहाँ पर फोन नहीं उठा रहा है। पीड़ित लोगों का यहाँ पर रो रो कर है बुरा हाल, और सख्त जरूरत के बावजूद यहाँ पर कॉल करने पर यहाँ पर अफसर जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर फोन नहीं उठाते हैं। इसके चलते जो पीड़ित लोग हैं वो रो रो कर अब परेशान हो रहे हैं। उन्हें कहीं इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है रेमडेसिविर का, जहाँ है भी वहाँ कालाबाजारी हो जाती है। पीड़ित लोगों का रो रो कर इस वक्त नोएडा में भी काफी बुरा हाल है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग काफी संख्या में भटक रहे हैं। तो लोग परेशान हैं, लोग इंजेक्शन के लिए दर दर भटकते, गुहार लगाते, अधिकारियों को फोन करते, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है कि कहां बढ़ जाकर ये परिजन इस इंजेक्शन को खरीदे, कोई समझ नहीं पा रहा है। ये फोन ही नहीं उठ रहा तो क्या बताऊं? नहीं आप ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे जी लिखवा के लाओ ऊपर से, तब मैं कोशिश कर सकता हूँ। कभी बोलते माल नहीं है, कभी बोलते लिखवा के लाओ। मेरे पास तो लिखा हुआ है डॉक्टर का, तब भी नहीं मिल रहा। दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, लोगों के आंसू जो हैं वो अब लगातार हमें स्क्रीन पर दिखते जा रहे हैं। हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कितने नंबर रिलीज किए गए हैं जिन पर फोन नहीं उठता है, तो मरीज जाते कहाँ है फिर? बिल्कुल, देखिए शासन जितना भी जो है दम भर ले कि हाँ उन्होंने रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका पूरा इंतजाम करा दिया है, जिले में उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों से बात करी, इन लोगों की जो गाथा है वो सुनी है, इनके आंसू निकल रहे हैं। दो दिन से लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ये लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी सीएमओ कार्यालय जाते हैं, कभी जिला अस्पताल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक एक जो रिटायर पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनका बेटा किस तरीके से वहां पर रो रहा है देखा जा सकता है। और सीधा सीधा उनको जो ये लोग हैं इनसे डॉक्टर ने कहा है कि हाँ जब तक इंजेक्शन नहीं लाएंगे तो इनकी जान को खतरा बना हुआ है, उनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी इनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा, जो कहीं ना कहीं शासन के दावों की पोल खोलती है। लगातार यहाँ के सीएमओ, यहाँ के एसीएमओ, यहाँ के सीएमएस, जितने भी अधिकारी हैं या फिर कंट्रोल रूम का नंबर जो आम लोगों को दिया गया है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का जो नंबर दिया गया है, वहां पर भी लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से बात करने के, लेकिन कोई भी इनका फोन नहीं उठाता। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से इनको कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे साफ पता चलता है कि शासन सिर्फ दावे कर रहा है और जो प्रशासन है वो आंख मूंदे बैठा हुआ है। और इन लोग ये जो लोग हैं वो भटकने के लिए मजबूर हैं। इनके जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं वो इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और इस इंजेक्शन की इतनी ज्यादा जरूरत है उनको बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो तिल तिल मरता हुआ ये देख रहे हैं अपने परिजनों को। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि हाँ बाहर से बाकायदा दूसरी जगहों से, दूसरे स्टेट से रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाए गए हैं, ऑर्डर दिए गए हैं, और उसकी पूरी उपलब्धता सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट जो स्टोर है वहां पर करी जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लैक में नहीं खरीद पा रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ब्लैक में अभी भी जो कालाबाजारी है इंजेक्शन की जारी है, और उसी वजह से जो ये जितने भी लोग यहाँ पर मिले हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो कहीं ना कहीं सारी जो व्यवस्था है उसका जीता जाता सबूत है किस तरीके से व्यवस्था पूरी तरीके से जमीन पे गिर चुकी है और सरकार इसका कुछ नहीं कर पा रही। जी बिल्कुल दानिश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से खबर जहां पर अवैध शिल्प